हमारे देश में 22 की उम्र होने के बाद से घरवाले और रिश्तेदार शादी के लिए कहना शुरू कर देते हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे लोगों को सवालों के घेरे में लेने लगते हैं। घरवाले जल्दी शादी करने के बेनिफिट्स भी गिनाने लगते हैं, जैसे कि अगर जल्दी शादी करेंगे तो फैमिली सही समय पर प्लान कर पाएंगे। पर आज के समय में अपने करियर की भागदौड़ में अक्सर लोगों की उम्र बढ़ जाती है और वो शादी नहीं करते। ऐसे में घर वालों के साथ साथ समाज वाले भी उन पर दबाव डालने लगते हैं। स्टडी में माना गया है कि 30 से 40 की उम्र शादी के लिए बेस्ट रहती है, मगर ये एज ही क्यों बेस्ट होती है, आइए आपको बताते हैं। ये एक ऐसी उम्र होती है जब शख्स अपने फैसले खुद लेने में सक्षम होता है। तो अगर आपके भी घर वाले आपको लेट शादी करने के लिए ताने मार रहे हैं तो उन्हें ये फायदे बताएं। 30 से 40 की उम्र तक लगभग हर कोई अपने करियर में स्टेबल हो जाता है। करियर की स्टेबिलिटी आने के बाद ही फाइनेंशियल कंडीशन मजबूत होती है, जो एक सक्सेसफुल मैरिज के लिए काफी अहम है। अगर आप 24 से 25 साल में शादी करेंगे तो हो सकता है कि उस वक्त आप फाइनेंशियली स्टेबल ना हो। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे लोगों की सोच में बदलाव आता है। 30 से 40 तक आते आते लोग मेंटली मैच्योर हो जाते हैं। वो अपने और अपने जीवन साथी की जरूरतों को बेहतर समझते हैं, जिससे उनका रिलेशनशिप और स्ट्रॉन्ग होता है। इस एज में लोग बचपने से निकलकर अपने लिए सही पार्टनर चूज कर पाते हैं, जो उनके लिए सही साबित होता है। 30 से 40 तक आते आते लोग इतने प्रायोरिटीज को अच्छे से समझते हैं और अपने परिवार और करियर के बीच अच्छा बैलेंस बना लेते हैं। नई नई नौकरी मिलने पर हम सभी अपने ख्वाहिशों को पूरी करने में ही सारा पैसा उड़ा देते हैं, लेकिन 30 के बाद की उम्र में हमें पैसे की अहमियत पता लग जाती है। ऐसे में इस उम्र तक हम सभी पैसों का सही से इस्तेमाल करना सीख जाते हैं। इसी तरह की और भी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए फॉलो और सब्सक्राइब करें इंस्टा फीड को, साथ ही प्रेस करें हमारा बेल आइकन।